बाइनरी सर्च तो सबको सीखता है एज अ प्रोग्रामर की वो लॉग इन में कैसे चलता है, बट उसके नाम एप्लीकेशन कम करते हैं, हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर पाते, इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो इतने सारे क्वेश्चन में काम आता है और किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम आता है, कभी वो स्टैक के साथ लग जाएगा, कभी डीक्यू के साथ लग जाएगा। तो हम हैशमैप की बहुत सारी एप्लीकेशंस कर लेते हैं बट ट्री मैप की एप्लीकेशंस नहीं कर पाते, तो हमें इसको मिस नहीं करना, ट्री मैप की एप्लीकेशन भी और इम्प्लीमेंटेशन भी। ये मैं बता रहा हूँ, गूगल का तो फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर हो गया, अगर गूगल के इंटरव्यू में जा रहे हो। हाय, मायसेल्फ आरिक हियर। सो यार, आज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज मोस्ट underrated डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो मैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट इंटरव्यूज में आ जाते हैं, और हमने ना इनके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं होता और फिर वो इंटरव्यू में क्वेश्चन से निकल रहे होते, तो नहीं करेंगे, इन चीजों को भी मिस नहीं करेंगे, इन चीजों की भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है जो हम मिस कर देते हैं, उसको लाइटली ले लेते हैं, एंड उनको हमें कैसे कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, उन सब चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एंड तक रहना एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अंडररेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता हूँ, एल्गोरिथम्स पे बाद में आऊंगा, पहले डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर है, मेरे हिसाब से फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है ट्राइज, बहुत ही प्यारा डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, बट हम उसको लाइट ले लेते हैं। आता क्या है क्वेश्चन, ट्राई की इंप्लीमेंटेशन ही आती है, इंसर्ट करना वर्ड, डिलीट करना वर्ड, सर्च करना वर्ड, इतना इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है। और कॉमन क्वेश्चन आता है कि डिक्शनरी इंप्लीमेंट करनी है जी, उसमें ट्राई यूज करते हैं, तो है कॉमन बट हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते, तो हमसे वो इंटरव्यू में फिर क्वेश्चन ही निकल रहा होता। ऐसी कुछ कुछ प्रीफिक्स निकालने में हमारे ट्राई के यूज होते हैं, तो कुछ दो तीन ही एप्लीकेशन है एंड एक ट्राई की इंप्लीमेंटेशन है जो हमें करनी है अच्छे से, तो इसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए बिकॉज बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। और मैं एक डॉक शेयर करूंगा, उसमें पूरा है कि ट्राई हमें कहां से क्या क्या करना चाहिए, तो उसको तुम रेफर कर सकते हो, टू लर्न ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट, उसमें से ट्राई के बारे में भी है, ठीक है। तो ट्राई की इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशंस अच्छे से हम कर लेंगे। नाउ द सेकंड पॉइंट इज हैश मैप। तो हैश मैप की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करते हैं, बट हैश मैप की ना इंप्लीमेंटेशन मिस कर देते हैं, तो वो लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है और बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट हैश मैप की इंप्लीमेंटेशन पूछी जाती है, है ना। तो उसमें वो लिंक लिस्ट कैसे यूज होता है, उसमें हैशिंग कैसे कर रहे होते हैं हम, कोलिजन हैंडलिंग कैसे हो रहा होता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से आने चाहिए बिकॉज यही तुम्हारे बेस सेटअप करेगा कि तुम्हें पता है कि हैश मैप के पीछे कैसे होता है, कि इंसर्ट डिलीट ये सब ऑर्डर वन में कैसे चल रहा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हैश मैप की एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली हम बहुत जगह करते हैं बट इंप्लीमेंटेशन को हम मिस नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इज ट्री मैप। तो ट्री मैप होता है या बेसिकली C++ में ordered map होता है ना, तो हैश मैप में क्या होता है, इंसर्ट डिलीट ऑर्डर वन में हो रहा होता है बट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता वो, राइट। अनऑर्डर्ड मैप या हैश मैप जो जावा में होता है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, बट ट्री मैप और ऑर्डर्ड मैप क्या होता है, ऑर्डर में मेंटेन करता है कि हमें इस ऑर्डर में चाहिए। तो जब भी वो क्वेश्चन में बहुत जगह आ जाता है कि ऑर्डर की काम आ रहा है कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, तो उसमें ट्री मैप वगैरह काम का होता है बिकॉज उसमें इंसर्ट डिलीट सर्च वगैरह लॉग इन में हो रहा होता है, बट क्योंकि ऑर्डर मेंटेन करता है तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ जाता है। तो हम हैश मैप की बहुत सारी एप्लीकेशंस कर लेते हैं बट ट्री मैप की एप्लीकेशंस नहीं कर पाते, तो हमें इसको मिस नहीं करना, ट्री मैप की एप्लीकेशन भी और इंप्लीमेंटेशन भी, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर बोले हैश मैप नहीं तेरे को ट्री मैप इंप्लीमेंट करना है, तो इसको मिस नहीं करेंगे, हम खुद से ट्री मैप भी इंप्लीमेंट करेंगे, हम खुद से ट्री मैप की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस करेंगे जिसमें सॉर्टेड ऑर्डर में चीजें चाहिए होती है, वरना हम ये मिस कर देते हैं और फिर बाद में इंटरव्यू में क्वेश्चंस से निकलते हैं, ठीक है। तो ट्री मैप वाले डेटा स्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छे से हम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटी क्यूज। मुझे लगता है प्रायोरिटी क्यूज हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा हार्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, पर ये ना बहुत पॉपुलर हो गया है बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंपनीज के लिए, Amazon, Google, Microsoft प्रायोरिटी क्यू के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। क्या होता है, रिमूव मिनिमम हमारा लॉग इन में कर देता है। तो पहली बात तो अगेन इंप्लीमेंटेशन इसकी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए प्रायोरिटी क्यू के पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन को तो मिस नहीं करेंगे, उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है। अब एक बिल्ड हीप करने का कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर, जो ऑर्डर एन में कर देता है वो, हम वो चीज पढ़ते नहीं है, हम उसके पीछे प्रूफ पढ़ते नहीं है, बट ये चीजें इंटरव्यूज में आ जाती है कि बिल्ड हीप ऑर्डर एन में कैसे होता है जी, है ना। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है बिकॉज उसके अंदर नीचे से बॉटम टू अप हम बिल्ड करते हैं, तो वो बिल्ड हीप ऑर्डर एन में कैसे हो रहा है, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम प्रायोरिटी क्यू में मिस नहीं कर सकते।
एंड सिमिलरली एप्लीकेशंस भी हम थोड़ा मुझे लगता है कम करते हैं, हम केवल के लार्जेस्ट वाली एप्लीकेशन कर लेते हैं सिंपल सी, बट जो अच्छी खासी एप्लीकेशन होती है प्रायोरिटी क्यू की वो हम मिस कर देते हैं। तो नहीं करेंगे प्रायोरिटी क्यू की बहुत सारी एप्लीकेशन करेंगे, बिकॉज जब तुम इंटरव्यूज में जाते हो कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हो वहां प्रायोरिटी क्यू बहुत ही काम का डेटा स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज वो मिनिमम मैक्सिमम फटाफट से लॉग इन में दे देता है। तो प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज डी क्यू। ये मैं बता रहा हूँ गूगल का तो फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर हो गया, अगर गूगल के इंटरव्यू में जा रहे हो, चार इंटरव्यू अगर होते हैं तो पक्का किसी एक इंटरव्यू में डी क्यू का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या होता है उसमें इंसर्ट और डिलीट ना दोनों एंड से हो पाता है, जैसे स्टैक्स एंड क्यूज पढ़ते हैं उसमें एक एंड पे होता है राइट, पुश एंड पॉप हो तो स्टैक में ऊपर से निकलेगा, क्यू में एकदम फ्रंट से निकलेगा, बट इसमें दोनों साइड पे अलाउ हो जाता है। तो ये बहुत ही काम का डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है यूज करने के लिए, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती है। बट इसमें भी अगेन ये कैसे पीछे इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको अच्छे से करेंगे और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन करेंगे। तुम अगर गूगल के इंटरव्यू क्वेश्चन देखोगे उसमें डी क्यू के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसकी अच्छे से एप्लीकेशन कर लेना तुम्हारे इंटरव्यू को निकालने में बहुत काम आएगी। नाउ द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज डिसजॉइंट सेट। तो अगर तुमने ग्राफ के एल्गोरिथम्स पढ़ी हैं, उसमें क्रिस्कल एल्गोरिथम के टाइम हमें एक यूनियन पाथ कंप्रेशन करना होता है ना, तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं, उसका जो बेस्ट वे होता है ना उसमें वो डिसजॉइंट सेट का यूज करके होता है। नाउ इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट एल्गोरिथम, वो जो डेटा सेट है जो डिसजॉइंट यूनियन डेटा सेट के पीछे काम हो रहा होता है वो तुम्हारे को ट्रीज के क्वेश्चंस में भी बहुत जगह तुम्हें दिखेगा कि वो लॉग इन में काम करके हमारे लिए बहुत चीजें आसान कर देता है ना, वरना हम डिसजॉइंट सेट नहीं यूज करते तो वो ऑर्डर इन में होगा, बट अगर हम डिसजॉइंट सेट यूज कर लेते हैं तो हमारा लॉग इन में हो जाता है काम। तो उसके पीछे क्या हो रहा होता है, कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं वो तुम अच्छे से सीख लेना, बिकॉज वो बहुत जगह काम आएगा। तो उसको मिस नहीं करेंगे हम, ये डिसजॉइंट सेट के डेटा स्ट्रक्चर की भी पीछे क्या हो रहा होता है पूरा अच्छे से समझेंगे कि कैसे वो पाथ कंप्रेशन चलाता है, कैसे हमारे लिए चीजें आसान कर देता है। तो ये मेरे हिसाब से 6 मोस्ट अंडररेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है बट इंटरव्यू के प्रस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, ट्राइज हो गया, इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन, हैश मैप इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन तो करते ही हम, ट्री मैप इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन है ना। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंटेशन और बहुत सारी एप्लीकेशन, डी क्यू इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन, डिसजॉइंट सेट की भी इंप्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन हमें अच्छे से करनी है, ठीक है। ये तो होगा डेटा स्ट्रक्चर, इन चीजों को अच्छे से कर लेना बहुत ज्यादा काम आएंगे। नाउ अब बात करते हैं हम एल्गोरिथम्स की, कौन से ऐसे थोड़े अंडररेटेड एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। मैं सबसे पहले नाम लूंगा बाइनरी सर्च। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि बाइनरी सर्च तुम सीखते नहीं हो, बाइनरी सर्च तो सबको सीखता है एज ए प्रोग्रामर कि वो लॉग इन में कैसे चलता है, बट उसकी ना हम एप्लीकेशन कम करते हैं, हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर पाते। अब हमारे कोई एरे में बोल देगा बाइनरी सर्च कर लो वो आराम से हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, पार्टीशन प्रॉब्लम है, जिसमें तुम सोचोगे कि बाइनरी सर्च लग के बहुत चीजें आसान काम हो जाती हैं, और इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो बाइनरी सर्च नहीं पूछेगा, वो ऐसा क्वेश्चन देगा घुमा फिरा के कि हो वो बाइनरी सर्च ही होगा बट तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो हमें बाइनरी सर्च की हमें पता होगा कैसे चलता है बट उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन करनी है। तो ये जो डॉक है उसमें एक लिंक है, वहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, एरेज में कैसे करते हैं, 2D एरेज में कैसे करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एग्रेसिव काओस, पेंटर्स पार्टीशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च अप्लाई हो रहा होता है, बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम। तो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली लोग ना इसको पढ़ते नहीं है ध्यान से, तो स्लाइडिंग विंडो में बस बेसिक समझ देते हैं, विंडो मेंटेन करनी और ऐसे ऐसे काम हो जाएगा, बट जैसे मैंने ऊपर डेटा स्ट्रक्चर बोला डी क्यू और स्लाइडिंग विंडो के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन क्वेश्चन, स्लाइडिंग विंडो इतने सारे क्वेश्चंस में काम आता है और किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम आता है, कभी वो स्टैक के साथ लग जाएगा, कभी डी क्यू के साथ लग जाएगा, तो एल्गोरिथम भी लग रहा है और डेटा स्ट्रक्चर भी यूज हो रहा है। तो इस एल्गोरिथम को हम अंडररेट कर देते हैं और इसकी हम एप्लीकेशन कम करते हैं, और मैं बता रहा हूँ इंटरव्यूज में ना स्लाइडिंग विंडो बहुत ही काम की एल्गोरिथम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है स्लाइडिंग विंडो की, वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं तुम्हें आता हो। तो स्लाइडिंग विंडो की आई थिंक हमें एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, जो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो डॉक गिवन है, वहां पर बहुत सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो भी बहुत अच्छे से होने लग जाएगा, है ना। तो स्लाइडिंग विंडो इज अ ग्रेट एल्गोरिथम टू डू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दो स्ट्रिंग की एल्गोरिथम्स है, ये हम पढ़ते नहीं है जनरली, बहुत मिस कर देते हैं। तो पैटर्न सर्चिंग की एल्गोरिथम है, KMP एल्गोरिथम एंड Z एल्गोरिथम, मुझे लगता है बहुत काम की एल्गोरिथम। तो तुमसे ना कभी कोई वो एल्गोरिथम एज इट इज नहीं पूछेगा, बट उसमें ना एक कॉन्सेप्ट है कि Z एरे बनाना,
केएमपी का एरे बनाना, वो एलपीएस एरे होता है, प्रीफिक्स एरे करके काम की चीज होती है, वो बनाना होता है। वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत जगह काम आता है कि ये एरे कैसे बन रहा है, और वो चीज किसी और एप्लीकेशन में काम आ जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि दो स्ट्रिंग गिवन है, उनको मिलके बेस्ट पैलिंड्रोम कौन सी बन रही है, उसमें वो केएमपी एल्गोरिथम में जो तुम यूज कर रहे थे ना, वो चीज काम आती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो केएमपी और जेड एल्गोरिथम के पीछे जो काम हुआ है ना, जो पीछे हमने एक एरे बनाया था टू मेक दैट एल्गोरिथम, वो चीज हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में काम आ जाती है। तो इन दोनों एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लेंगे, उनके पीछे वो एरे कैसे बना है वो अच्छे से कर लेंगे, और वो चीज हमारे को दूसरे क्वेश्चंस में काम आएगी, है ना। एल्गोरिथम्स के टर्म्स में मेरे हिसाब से यही है, हम थोड़ा अंडररेट कर देते हैं बाइनरी सर्च की एप्लीकेशंस, स्लाइडिंग विंडो की एप्लीकेशन थोड़ी कम करते हैं हम, और जो केएमपी एंड जेड एल्गोरिथम को हम पढ़ते ही नहीं है, उसको मिस नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, एंड दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन अवर इंटरव्यूज, ठीक है। तो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, डॉग गिवन है वहां जाके लिंक पे जाओ और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फोड़ दो, ठीक है। चलो गुड लक।